तो ये PSL का सॉन्ग थोड़ी है। क्रिकेट तो नहीं थी। क्या था उसमें? नसीबो लाल का लेवल ही मेरे लेवल दी आ रही नहीं। काफी फनी। हेलो गाइस, क्या हाल है? मैं हूं नहीं। आप देख रहे हैं मीडिया रिएक्शन चैनल। सो गाइस, एक एंथम आया है जिसने सबको हिला के रख दिया। सिंगर नसीबो लाल, एम्मा बेग और उसके साथ दो यंगस्टर हैं, उन्होंने जो इसको इसकी प्रोडक्शन की है और PSL के लिए उन्होंने इसको चचियाँ उड़ा दी। सो लेट्स वॉच द एंथम। सुपर लीग, जैसे सुपर लीग है वैसे मुझे नहीं लग रहा कि ये यार एंथम सुपर होगा। एकदम से मुझे तो समझ नहीं आई कि जब नसीबो लाल ने एकदम से वो अपनी चिकनी सी आवाज में कहा ना कि देखिएगा। वैसे मैं इस एंथम के बारे में सिर्फ जस्ट इतना ही कहूँगा कि कुछ लोगों ने नसीबो लाल के बहुत से जो सॉन्ग सुने हुए हैं वो डिफरेंट टाइप के सुने हुए हैं, तो इसलिए एक नई चीज़ को जब एक नए अंदाज में जब पेश किया जाता है ना तो वो लोगों को ज़रा ऑकवर्ड सी लगती है। तो जैसे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये कहूँगा कि ये जो एंथम उन्होंने बनाया है तो ठीक, यानी कि नसीबो लाल का जो 1 मिनट है वो अगर सेट असाइड कर दिया जाए एक टाइम के लिए तो बाकी जो था वो कुछ काबिल है कि उस पर मतलब एकदम से बंदे को हलचल होती है, एकदम से वो पावर जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है कि यानी कुछ एंथम लग रहा है। लेकिन अगर जैसे देखा जाए प्रीवियस हिस्ट्री में देखा जाए, अली जफर कमाल का एंथम था, कमाल की वो वोकल थी उनकी। लेकिन इसमें यार मैं इतना तो नहीं क्रिटिसाइज करूँगा कि वो बेचारी नसीबो लाल को, उसकी आवाज़ अच्छी है। वैसे मैं तो सिंगर नहीं हूँ, मैं मुझे नहीं इतना अंदाज़ा है, लेकिन सुनने वाला ये जज कर लेता है कि उसमें वो स्ट्रेंथ वो पावर आ रही है कि नहीं आ रही। तो मुझे बीच बीच में कुछ ऐसा फील हुआ था कि ये कुछ अच्छा है, लेकिन जब नसीबो लाल की कुछ वॉइस, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको ऐसे सुना है ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे गानों के लिए, तो एंथम के लिए, तो इसलिए वो जज नहीं कर पाया मैं कि यार ये इस चीज़ के लिए काबिल है या नहीं है। मैं वैसे एक दो रिएक्शन आपको लोगों के बताता हूँ कि उन्होंने क्या लगाया हुआ उसने। ये मुजरा लग रहा है ये गाना, तो ये PSL का सॉन्ग थोड़ी है। PSL को नया कोई ट्रेंड चाहिए, इतने इतने अच्छे यहाँ पे स्टार है पाकिस्तान में, नसीबो को लाल उसको लाल जैसे ही जी। मजा आया? नहीं। क्या था गाने में? क्रिकेट तो नहीं थी। क्या था उसमें? गाना कैसा लगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गाना। उसमें क्या गलती की है? गलती क्रिकेट के मुतल्लिक वो था ही नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ कंटेंट क्रिकेट था। यस, गाना बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ वे था क्रिकेट से, और क्योंकि हमने जितने भी पहले वाले गाने सुने हैं। कौन किसने गलती की है, किसने गलती की है इस गाने में? गलती में जिसने बनाया वो सबसे बड़ी उसकी गलती है, तीनों गाने वालों की गलती है। तीनों गाने वालों की गलती। और कौन इस काबिल है कि PSL में कौन गाने के काबिल है? नहीं, मुझे रख लेते ज्यादा बेहतर था। सुल्तानी आए थे वो बेहतर थे, सुल्तानी साहब आए थे वो आते फिर दोबारा सुल्तानी साहब। एक बड़ी एक मुझे जो समझ नहीं आई, आपने कमेंट्स में बताना है, ये ग्रूव मेरा का मतलब क्या है? ग्रूव मेरा इसका क्या मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रूव मेरा? मुझे नहीं समझ आई कि ग्रूव मेरा उनको किस सेंस में लिया गया है। अगर आप ग्रूव मेरा का मतलब जानते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और अगर आपको मेरी बातें कैसी लगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में बतानी है, और मेरे बेल आइकन और लाइक शेयर लाजमी करना मेरे चैनल को, और आपकी सपोर्ट की यार मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके साथ और वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।